अस्सलाम वालेकुम। तो आज का बेसिकली जो कि हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम अपने गार्डन में मतलब खुद की ही सीडलिंग इकट्ठी कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें से कुछ मैंने मंगवाई हैं और कुछ मैंने खुद इकट्ठी की हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये मैंने खुद इकट्ठी की है, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हैं डिमोरा के सीड। एक तो मैं आपको निकाल के दिखा दे, ये मैंने खुद के ही प्लांट से निकाले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको वैसे ही मैं रख दूँ। इसके बाद मैं मैच बॉक्स में भी रख लेता हूँ। ये हैं मैरीगोल्ड के सीड्स, और इस वाले में हैं गजानिया और नेस्ट्रेशियम के सीड्स। गजानिया के दो टाइप्स हैं। और ये सीडलिंग है, ये नहीं मुझे पता अभी, इतना ध्यान से मुझे भूल गया कि किसकी थी। और ये जो है सीडलिंग, आप देख सकते हैं ये है सीडलिंग, क्या नाम है हमारे, जो कि बहुत ही प्यारा प्लांट है जिसको कहते हैं पेटूनिया। पेटूनिया की सीडलिंग है, खुद इकट्ठी की है ये, अपने ही गार्डन से मैंने इकट्ठी की है। और ये है न्यासबो की सीडलिंग, आप देख सकते हैं ये भी मैंने अपने ही गार्डन से इकट्ठी की है। और ये है थाइमोफिलिया के सीड्स, जो कि मैंने अपने गार्डन से इकट्ठे किए हैं, और ये बहुत मुझे खुशी हुई, काफ़ी इकट्ठे हो गए थे इस सब। और ये जो सीडलिंग है ये भी मैंने खुद इकट्ठी की है, इसमें सिर्फ एक सीड है जो कि मॉर्निंग ग्लोरी का है, बाकी हैं बाइंडवीड के, जो कि मुझे पसंद आ गई थी गांव में तो मैंने उसकी सीडलिंग इकट्ठी कर ली। इसके बाद है हमारे पास जो कि है बटरफ्लाई पी की, ये तो मैंने मंगवाए हैं दो, काफ़ी इसके में सीड लगा दिए थे, 10 सीड थे और काफ़ी मैंने इसमें से लगा भी दिए थे। इसके बाद है हमारे पास जो कि हमारी क्राइप्रस वाइन के सीड्स, बहुत ही प्यारे सीड्स होते हैं माशाल्लाह से। और इसके बाद है हमारे पास जो कि सब्जियों के सीड, ये हैं कद्दू के सीड्स हैं, आप देखें बहुत ही प्यारे इसके कद्दू के सीड्स हैं। इसके बाद हैं ये कुछ सीड हैं, इसका मुझे नाम भूल गए किसके सीड से, बट चलें हैं। और इसके बाद हैं हमारे फेवरेट तोरी के, जो कि हमारे पास लगी भी हैं। तो गाइस ये ही मेरे पास हैं, जस्ट आप देखें ये ही मेरे पास सीड्स हैं जो कि मैं आपको दिखा सका। तो यही थी आज की अपडेट। चले मैं आपको जो जो मैंने इन सीड से, मेरे पास टमाटर के भी थे तो ग्रो किए हैं प्लांट, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी कुछ के मुझे सीड्स इकट्ठे करने हैं, जैसे डहलिया के, विंका के और बहुत से प्लांट हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सीड्स उनके जब इकट्ठे करूँगा दिखा दूँ। ये मैंने सीड से लगाई थी और आप देखिए कितनी बड़ी तोरी हो गई है। ये कद्दू का प्लांट, ये भी सीड से लगा हुआ है, और यहाँ पर तोरी का, इस पर भी तोरी लग चुकी है। ये मिर्ची के हैं, मिर्ची भी ग्रो हुई थी, वो सीड्स अब मेरे पास है नहीं। और धनिया के भी थे बट धनिया भी अब नहीं रहा है। ये गजानिया के सीड्स से ग्रो है और ये मैरीगोल्ड के। धनिया के मैंने सारे सीड्स ही लगा दिए थे, तो आप देखें माशाल्लाह कैसी ग्रोथ हुई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।